बैक टू क्रिप्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं कृतिक को सुला के आई हूँ, वो सोया है, तो फिर मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। नाश्ता सब लोग किए थे तो उतना तेज भूख नहीं लगी थी, लेकिन जैसे टाइम बीतता है तो इंसान को एहसास हो जाता है कि नहीं मुझे अब कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी बनाऊँगी और लौकी का रायता भी बनाऊँगी। ठीक है, पहले रेत लेती हूँ, देखते कितना होता है। तो आप लोग को लौकी का रायता कैसे बनाते हो आप लोग अपना तरीका बताना, मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपको वो तरीका बताऊँगी। एक तो मैंने दाल डाल दिया है, पहले मैं देखती हूँ कितना होता है। अरे थे कपड़े तो धुल गए थे, कुछ कपड़े उधर रह गए थे ना, तो मगर उतार लेता हूँ, तुम उधर कर रही, मगर मैं उतार लेता हूँ इधर कपड़े, हवा धूप लग गई है, बस ये थोड़े बहुत कपड़े डाल लेता हूँ मैं इधर, सूखता रहेगा सब। इतने कपड़े, इतने ज्यादा कपड़े हो गए सब। जूतिया सिर्फ बेटे के लिए होता है और जूतिया हमारे ससुराल में नहीं मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि रहने के लिए, तो हमारे ससुराल में नहीं होता, लेकिन ऐसा त्योहार है कि हम रह सकते हैं इसमें बेटे के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए, लंबी अच्छी चीज़ों के लिए लोग व्रत रहते हैं। हमारे मायके में मेरी मम्मी से लेकर के सब लोग रहते हैं इसमें, सोने के मतलब जितने बच्चे होते लड़के होते हैं वो आप गुहा करके पहनो, पूजा पाठ होता है जा करके इस चीज़ का। क्या बेटा दर्द हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है तो छाला हो गया है ना। क्या खाओगे बोलो, क्या खाओगे? हम भी सोच रहे थे लेकिन इस बार हम नहीं रह पाते हैं, सब लोग देख रहे हैं जूतियाँ कर लेकर के डाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? ले लो ले लो ले लो, इसको ना छाला हो गया है इसलिए ना रह नहीं पा रहा है बच्चा मेरा। ये राजकुमार, क्या हुआ, क्या हुआ राजकुमार, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है यार, इसको नीला नहीं जा रहा है, ऐसे सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, पता नहीं, जबकि किसी का कुछ खाया नहीं, फिर कैसे इसको छाला पड़ गया। अब मैंने मिर्चा काट लिया है तो और भी नहीं छू सकते हैं। A few moments later. क्या बुला रही थी आप? अरे बाप रे बाप, इतना तैयार होकर क्यों आई हैं? क्या बुलाओ तो नहीं है, बुलाओ तो नहीं, बर्तन में सब खाली करे लो। तो क्या हुआ ऐसे घर तो यहीं कह दे तो कहाँ हो जाते हैं? वो तो हमारा एक देखिए चल, क्या हुआ आज नहाए खाए आज अपना कुछ खा पू पक्का कुछ ना खाऊ आज रात को खा लेते काल दिन भर। तो हमारे आज हम इनसे पूछ रहे थे कि नहाए खाए क्या होता है, तो कह रहे थे कि नहा लेंगे फिर उसके बाद खाएंगे फिर उसके बाद से व्रत भी फिर उसके अल्लाह अभी कुछ करिए कुछ भी नहीं खाएंगे ना, आज नहाए खाए आज रात भर खाली पी लिया बिहान से नुसाए के बाद बिहान दिन कल का ना रात भर ठंडा पानी दी, ठंडा पानी पीएंगे पानी ना, ऐसा पानी नहीं पीती है, गरम पानी वो गरम नहीं। ओए रायता बनाए थे, रायता किसी को दिए ही नहीं, ठीक है आपने खाए माटी अकेला। मैं रायता बनाई थी और मैंने रायता किसी को दिया ही नहीं, इतना मन से मैंने रायता बनाया था, कोई बात नहीं चलो ला पानी दी बस बस रह दी ये तेरे इवन फील रही पानी के गला बज रहा। हां लो केक खा लो याला, केक केक खाइए, खा के पानी पी लीजिए, मीठा केक है। हमारे बेटवा खा लेते हम इनका बेटवा खा लेते हैं खा लेंगे कहलें, सही बात है बेटे बच्चे खा लेते हैं तो ये बच्चे के लिए व्रत है भैया। और गाइज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, जो हमने कल ब्लॉग डाला था उस ब्लॉग में मैंने ये कहीं नहीं बोला कि ये जो हमको साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे हमारी दीदी या हमारी ननद जी ने दिया है, मैंने ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बोला है, मैंने यही बोला है कि ये कोलैबोरेशन के हैं और इन्होंने इस कलर का भेज दिया है। क्योंकि मैं अपने जो मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ मैं जो कलर पहनती हूँ मुझे जो अच्छा लगता है, अगर मैं अच्छा पहनूँगी अच्छा चीज़ दिखाऊंगी तो लोग अच्छा ही चीज़ लेंगे ना, तो अगर मैं ऐसे कुछ भी पहन करके वीडियो बना दूंगी फॉर्मेलिटी के लिए तो आप लोग पसंद करोगे नहीं करोगे, तो वही चीज़ कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब था कि ये कलर बिना बताए मुझे भेज दी, अगर मैं देखती कलर ऑप्शन के तो मैं उस कलर में कुछ और भी कलर देख सकती थी। उसको मुँह में पूरा छाला पड़ गया, सुबह नहीं दिखा
नहीं बस खाली मुंह में लगा दिए और मैंने लिखवा दिया डॉक्टर से। हाँ डॉक्टर देखे ना उसको लगाए पूरा मुंह में ऐसे भर के छाल ऐसे मुंह से निकाल रहा था। हमार पूरा भर भर करे तो पूरा ही सब दवाई दे रही है लेकिन बहुत ये दवाई दे रखता हमार चार पांच दिन नहाए खाए कर ली ना तैयार होकर के ये नहाए खाए की है ऐसे करते हैं। कल सजुज के जाएंगे मुरादनगर नहाए। कहाँ? मुरादनगर। मुरादनगर हमारे यहाँ भी होता है बहुत अच्छे से होता है। चलिए हम बातों को कुछ तो हाँ तो मैंने बोला था जो चीज़ तो आप लोगों ने पूरा ब्लॉग शायद बीच में सुनती नहीं पूरा सुनते नहीं हो आप लोग और बीच में बोल देते हो कि कोई दिया है इतना ठीक है बंद कर लेंगे कोई इतना प्यार से दिया है तो उसका क्या ऐसे बोल मैंने ये नहीं बोला है कि मुझे किसी ने दिया है ये मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया था तो उसमें से बस मुझे यही मैंने बोला था कि वो मुझे पसंद करा लेते तो मैं कोई और कलर बोल देती हूँ। होता है सबका अपना अपना कलर पसंद होना जैसे मुझे ना न्योन ग्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है रेड साड़ी देखो मुझे बहुत कम पसंद है मैं रेड साड़ी नहीं करती हूँ लेकिन लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो मैं कर लेती हूँ कि चलो अच्छा फेस्टिवल का टाइम है तो लोग ये सब के और मैं पीला कलर बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद करती हूँ तो जिसका सबका अपना फेवरेट कलर होता है। मैंने ये चीज़ नहीं बोला था लेकिन आप लोगों ने उसको गलत तरीके से लेके गया और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपने अपने ननद जी को क्या दिया बस खाली लेने के लिए तुम हर जगह लेने के लिए ही जाती हो। मैं हर जगह लेने के लिए नहीं जाती हूँ सिंपल सी बात मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि मुझे बोलने का मन नहीं करता लेकिन बोलना पड़ जाता है कि मैं जितना कर देती हूँ शायद ही कोई कुछ कर पाता है लेकिन मेरे बोलने का बिल्कुल मन नहीं। लेकिन जब आप लोग इतना कमेंट कर देते हो ना कि कहीं लेने के लिए जाती हो कहीं लेने के लिए जाती हो कहीं लेने के लिए जाती हो तो मैं लेने के लिए क्यों जाऊँगी कहीं भाई अपना पैसा खुद खर्च करती हूँ जहाँ भी घूमने जाती हूँ जो भी खाती हूँ जो भी करती हूँ मैं अपना खर्च खुद करती हूँ। आप लोग ये चीज़ें क्यों मुझे हर चीज़ आप लोग को बताना पड़ेगा क्या? अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं ही अपने पैसे से ही खाती हूँ मैं अपने पैसे पे अपने ऐस करती हूँ किसी के पैसे पे ऐस नहीं करती हूँ। मेरा खुद का पैसा रहता है भाई मेहनत का पैसा रहता है। तो आप लोग जब ये चीज़ें ना बोलो कि आप कहीं जाते हो तो सिर्फ खाने के लिए जाते हो आप कहीं जाते हो तो लेने के लिए जाते हो तो आप लोग ना पहली बार तो पूरी जानकारी ले लिया करो। एक तो जल्दी जल्दी नीचे गाड़ी आ गई थी और मैंने अपने ननद जी के बच्चे को क्या बोलते हैं जब वो एक दिन हमारे आने के एक दिन बाद उनका बर्थडे था तो मैंने बर्थडे पर उनको मेरे जहाँ से उनकी बेबी के लिए हमने ड्रेस वगैरह ख़रीदा था वहीं से उनके बेटे के लिए एक क्या बोलते हैं माइंड मतलब कि उनका अपना बच्चा पढ़ने बहुत तेज़ है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है तो उनके लिए मैंने गिफ्ट लिया था देने उनके बर्थडे का गिफ्ट भी दिए थे आते वक्त मैंने उनको विदाई भी दिया था और पूनम दीदी के बच्चे को भी मैंने विदाई दे के आया था विदाई दी थी आर्यन आरो दोनों लोगों को विदाई दी थी। और रही बात तो उनके ननद जी के बच्चे को तो उनको भी मैंने गिफ्ट भी दिया था और उसके बाद उनको विदाई भी पैसे में दिए थे तो ये चीज़ें हम नहीं शूट कर पाए नहीं दिखा पाए इतना। और जब पूनम दीदी के घर से हम लोग निकल रहे थे तो ट्रेन आके खड़ा हो गया था फिर उसके बाद फटाफट वहाँ से भागना पड़ा था उस टाइम दिया था। अब मतलब कि क्या मतलब कि मैं आपको दिखाऊं कि हाँ देखो मैं पैसे दे रही हूँ कभी कभी हो जाता है शूट उस टाइम हो जाता है कि मैं निकल रही हूँ तो चलो उस टाइम शूट हो गया तो हो गया अब मैं दूँ ना दूँ ये सब चीज़ें आप लोग क्यों हमको इतना ज़्यादा नीचा गिराने की कोशिश करते हो कि किट्टू को मैं क्या क्या बोल दूँ क्या भला बुरा बोल दूँ कि मतलब कि ये चलो आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ बुरी रहूँगी और हमेशा ही रहूँगी। देखते हैं कि आप लोग कब तक मेरे ऐसे पीछे पड़े रहते हो यार। इतना तो मेरे पास कॉमन सेंस है कि मैं कहीं गई हूँ अगर मैं वहाँ से छोटे बच्चे हैं तो मैं विदाई दे के ही निकलूँगी कुछ जो दिन रहेगा मेरे घर कोई आता है मेरे मैं कभी कभी कोई बच्चा मेरे फर्स्ट टाइम मेरे घर था मैं जब मैं उनको विदाई दे देती हूँ जब तो मेरे अपने के यहाँ जाऊँगी तो फर्स्ट टाइम कहीं से निकलूँगी तो उसको भी अपना विदाई दूँगी ना भाई। मतलब मैंने गलती कर दिया दिखा के देना चाहिए था ये चीज़। चलो क्या चालू किया हो हाँ आप कुछ बोलना चाहते हो कैसे इतना वाइट आ रहा है पहले फोन सीख करो।
फोन तो सही है। इसको फीवर है क्या? एकदम गरम है ये। नहीं फीवर नहीं है। फीवर नहीं है उसका, क्या नाम है, वो छाले की वजह से ना ऐसे हो गए हैं। क्या क्या हुआ बेटा? आ मम्मा गिर गई। वाइट वाइट क्यों आ रहा है इतना? देखो इसको थोड़ा उधर करिए। कहा तो दिए बेटा, कैसे सही होगा? छाला पता नहीं कैसे पड़ गया। नहीं 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 बच्चा मेरा, बच्चा फिर से लगा दे दवा, फिर से लगा दे। अच्छा ठीक है, मेरा कृतिक को ना मुँह में छाला पड़ गया। आप लोग कुछ डॉक्टर ने तो दवा दे दिया है, लेकिन आप लोग बता दो कि आप मुँह में उसके और क्या लगा सकते हैं कि जैसे इसको आराम मिले। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लो पापा ना, तभी भी ऐसे पूछ रहे हैं ना। चलो गाइस इन ब्लॉग को एंड। अच्छा पूनम दब गया क्या? अच्छा पूनम भी दबता है इसमें। बहुत परेशान आज हो रहा है मेरा बेटा छालू के वजह से। एक बार चलते हैं और दवा लगा देते हैं इसको। बाय बाय।